हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी दहशत से पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था, जिसका नाम कुचिसाके ओना था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रवि और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एक्टॉन फैक्ट में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जापान के अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना के बारे में। दोस्तों, ये बात तब की है जब जापान अपनी तरक्की की ओर बढ़ रहा था और विकास की राह पर था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान का एक हिस्सा डर और खौफ के साए में जी रहा था। वहां के लोगों में डर पैदा करने वाली कुचिसाके ओना, जिसे स्लिट माउथ वुमन के नाम से भी जाना जाता है, वह जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब खोज रही थी। कुचिसाके ओना का चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता था और उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची होती थी। वह गलियों में गुजरने वाले हर एक इंसान से बस एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? आपको ये सवाल सुनने में आसान और मामूली लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने जवाब में कहा कि हाँ तुम सुंदर हो, तो कुचिसाके ओना अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क उतार कर उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती थी, जो कि बीच में से दो हिस्सों में कटा हुआ होता था, और अपने सवाल को दोहराती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर सामने वाले व्यक्ति ने जवाब में ना कहा तो वह उसके सीने में कैंची घोप कर उसे मार डालती थी, और अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो वह उसी कैंची से उसके चेहरे को भी ठीक उसी तरह बीच से दो हिस्सों में काट देती थी जैसे उसका था, जिससे कि उस व्यक्ति की जान चली जाती थी। अगर जवाब हाँ में हुआ तो भी जान जाएगी और जवाब ना हुआ तब भी मौत पक्की है। कुचिसाके ओना का आतंक इस कदर फैला था कि जापान के सारे लोगों ने उससे तंग आकर अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उन दिनों इस खौफनाक बला के चलते जापानी सरकार को स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी, ताकि बच्चे बिना डरे स्कूल आ जा सकें। और कई लोगों ने तो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुचिसाके ओना ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वह ऐसा क्यों करती थी? क्यों वह लोगों से सवाल पूछकर उनकी जान ले लिया करती थी? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण? तो दोस्तों, ये बात जापान के यान पीरियड की है। आज से लगभग 1200 से 800 साल पहले एक गाँव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वह अपने पति के साथ रहती थी, जो कि एक सामुराई योद्धा था। एक दिन उसके पति को गांव से बाहर युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, पर अगले दिन वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत बीवी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। ये देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी तलवार के वार से अपनी बीवी को पूरी तरह जख्मी कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह दो हिस्सों में पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो सामुराई उस गांव से हमेशा के लिए चला गया। अब उस औरत के खूबसूरत चेहरे पर बेहद डरावना और भयंकर घाव बन गया था। जब उस औरत ने खुद को आईने में देखा तो उसे एहसास हुआ, जिस खूबसूरत चेहरे पर उसे इतना नाज था, अब वह चेहरा भद्दा और डरावना दिखाई देता है। वो औरत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर में रखी कैंची से खुद को मार लिया। वो औरत मर गई तो सबको ये लगा कि ये किस्सा यहीं खत्म हो गया, लेकिन वो लगभग 800 साल बाद वापस जाग गई और बन गई जापान की एक अर्बन लेजेंड, जिसे जापान के लोग कुचिसाके ओना के नाम से जानते हैं। जापान के कई लोग आज भी कुचिसाके ओना को देखने का दावा करते हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की उन सुनसान गलियों में घूम रही है और तलाश रही है अपने सवालों के जवाब। तो दोस्तों, ये थी जापान के अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना की पूरी कहानी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।